नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं दे रहा हूँ आपको अपनी रेसिपी नंबर 11 जो बनेगी 5 मिनट में हम लोग तैयार करेंगे और ये रेसिपी वेट लॉस में, वेट गेन में, सभी में काम करेगी और सभी की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसमें कुछ भी हमें नहीं चाहिए, सब कुछ हमारे पास रेडीमेड होगा। इसमें चलिए देखते हैं हमारी रेसिपी क्या है। दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए 3 चीज़ें। नंबर 1 चीज़ है पानी, नंबर 2 चीज़ हमें चाहिए ओट्स। यहाँ पर विकल्प है आपके पास, या तो आप मसाला ओट्स का इस्तेमाल करें या आप सिंपल ओट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों को मैं यूज़ करना भी बता दूँगा कैसे करना है। और 3री चीज़ हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ गाजर, खीरा और टमाटर। ये 3 सब्जियाँ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो और भी सब्जियों का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। सिंपल गैस ऑन करना है और एक बर्तन ले लीजिए, कोई सा भी बर्तन हो। यहाँ पर मैं नॉन स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, अब देखिए ये स्कूप है 40 ग्राम का, यानी एक बार में 40 ग्राम मैं बनाने वाला हूँ। ये स्कूप आपके पास अगर नहीं है तो यहाँ पर आप 3 स्पून का इस्तेमाल करें। 1 चम्मच में क्वांटिटी आती है लगभग 15 ग्राम, तो 15 से 45 लगभग 45 ग्राम के आसपास, यानी कि 2.5 चम्मच आप इस्तेमाल करें तब आप जाके आपका 40 ग्राम बन पाए। तो यहाँ पर मैं 40 ग्राम यूज़ कर रहा हूँ। आपको 1 चम्मच यूज़ करना है ओट्स पैन में। इसके बाद आपको डालना है पानी, थोड़ी देर तक कुक होने देना है इसको। देखिए अगर आपके पास मसाला ओट्स नहीं है आप सिंपल ओट्स भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल ओट्स में क्या करें, पानी में सिंपली ओट्स डालें और उसमें एक टेस्ट के लिए मैगी मसाला ज़रूर डाल दें, तो आपको एक अच्छा टेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे सब्जियाँ। जो सब्जियाँ मैंने आपको दिखाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सब्जी ऐड करने के बाद आप इसे मुश्किल से 2 से 3 मिनट को होने दें बस, और कुछ नहीं आपको करना है। इसको आपको कर लें ताकि हमारा जो ओट्स है अच्छी तरह से फूल जाए। एक चीज़ का ध्यान रहे, अभी हम ले रहे हैं अपना डिनर, तो डिनर जो है आपका वो 7 से 7:30 के बीच में रात में हो जाना चाहिए, उससे पहले पहले। उसके बाद आप डिनर ना लें ताकि सोने से पहले आपका जो फूड है डिनर का वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। तो बहुत अच्छा विकल्प है वेट लॉस करने के लिए, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ओट्स का इस्तेमाल करें, मसाला ओट्स या सिंपल ओट्स, उसमें मैगी मसाला ऐड करें और इसमें कुछ सब्जियां बारीक काट के उसमें ऐड कर दें। कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई तेल, ना ही कोई मसाला, ना ही कोई नमक, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट बन जाती है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग वर्किंग है, जिनके पास टाइम नहीं है खाना खाने का, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाए। तो हमारी रेसिपी अब बनके तैयार है, जिसे सिर्फ बनाने में हमें लगे हैं 3 से 4 मिनट। हमारी रेसिपी तैयार है और इसे डिनर के रूप में अगर लें या किसी भी टाइम लें, आप लंच में भी इसको ले आ सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर इसका लाभ उठाएं, मसाला ओट्स या सिंपल ओट्स का इस्तेमाल करके आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी नंबर 11। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।